Okay guys, so as I told you, we are on one day trip of to Agra, and right now we are in somewhere around we are in expressway, Yamuna expressway, right? Okay, so we are in what's that, Bhavisha? Highway Masala, right? Yes. Yeah. So yes, we are having breakfast here because हम सुबह सुबह जल्दी उठे हैं 5:30. इसने मुझे उठाया, इसने. इसकी वजह से पहली बार सुबह सुबह वाला ट्रिप कहीं पर हम रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं. Yes. And she is my bestie, Bhavisha. And what she is having? आलू के पराठे. Okay. So yes, अभी हम breakfast करके रेस्ट के बाद फिर यहाँ से आगरा जाएंगे. 159 kilometers around left. So let's go. Agra, and now we are moving towards Taj Mahal. And as you all know, I told you before that we have one day here. So let's see ki hum kitna ghum pate aur kahan kahan ghum pate in Agra. So it's a video called One Day in Agra with Wanderlust Himani. So let's go. So we reached the Taj Mahal. As I'm wearing hat because the मौसम थोड़ा सा sunny sunny हो गया है. सुबह सुबह मौसम बड़ा windy था, अच्छा था, and now मौसम is थोड़ा sunny और थोड़ा hot भी लग रहा है. So yes, and first step is कि water bottle carry करें अपने साथ. Second tip ये कि आप hat वेट रख लें यार अगर गर्मी में आ रहे हैं तो. And third tip is कि आपको गाड़ी धूप पार्क करनी पड़ती if you have your own vehicle. And if not then जैसे कि ये जो पीछे कार्स जा रही है ऐसी बैटरी कार्स यहाँ पे चलती है और इन द ताज महल सो यू कैन गो फ्रॉम देयर आल्सो एंड टुडे वी टुक अ गाइड समथिंग रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट प्लीज नो थैंक यू ओके सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स ताज महल राइट नाउ एंड इट्स लिल वॉक फ्रॉम पार्किंग टू ताज महल एंड नॉट लॉन्ग क्वाइट near, yeah, we reached in 1 or 2 minutes, so let's go. Okay, so we are in queue. Taj Mahal. Excited? Yes, so much excited. Let's see. That's a long, long queue. Yep. Not long, long, but yeah. But yeah. And we reached to here. And look at the beauty. So Taj Mahal.
महल के बारे में हम सब ये तो जानते हैं कि शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए और इसे कंप्लीट किया गया था 1653 में विद द कॉस्ट 32 मिलियन रुपीज़, जो कि 2015 की बात करूँ तो 52.8 बिलियन रुपीज़ होता है, और उस कॉस्ट से बना था ताजमहल। एंड ताजमहल की ब्यूटी की बात करें तो यार, मतलब आप जब ताजमहल के सामने होते हैं तो आपके मुँह से वह ताज निकले बिना रह ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल। एंड जो वाइट मार्बल लगे हुए हैं इसकी, वो साउथ बैंक ऑफ द यमुना रिवर इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा। एंड लिटरली एक फैक्ट जो कि आप मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे ताजमहल के बारे में, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आगरा गई थी एंड ताजमहल मैंने विजिट किया फॉर वन डे। एंड यस, आई गॉट टू नो अबाउट द थिंग कि जब ताजमहल बना तो शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा दिए जिन्होंने ताजमहल बनाया था, बट दैट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी, बिकॉज द ट्रू स्टोरी इज कि उन्होंने, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था उन्हें शाहजहां ने एक बॉन्ड साइन करवाया एंड उनसे कहा कि तुम इतने पैसे रख लो कि तुम्हारी सात पुश्तें बैठकर इसे खाए, बट तुम इसके बाद कहीं भर भी काम नहीं करोगे, बिकॉज शाहजहां डोंट वॉन्ट कि ऐसी कोई खूबसूरती पूरे विश्व में कहीं पर भी बने। सो दैट्स वाई उन्होंने उनसे ये बॉन्ड साइन करवाया, उनसे ये वादा लिया और उन्हें इतने पैसे दिए कि उनकी सात पुश्तें बैठकर आराम से खा सके और जीवन यापन कर सके। सो आपने जो भी रूमर सुना इसके बारे में कि उन्होंने हाथ कटवा दिए, बिकॉज शाहजहां वॉज नॉट दैट क्रूर पर्सन, या ही वॉज वेरी स्वीट जैम पर्सन एंड उन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं कटवाए थे किसी के, उन्होंने बस उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया था, बिकॉज ही डोंट वॉन्ट कि ऐसी ब्यूटी पूरे जहां में कहीं पर भी बने। सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड ताजमहल। So after Taj Mahal, we are heading towards Agra Fort, which is very important place because this is the place where Shahjahan and his family lives here. It's looking huge, huge, huge. So I'm excited to go inside. So let's go. Taj Mahal, we are in Agra Fort and this is Agra Fort, India's largest fort it's called, and I am in front of this. So one day in Agra and let's get to next destination, which is Agra Fort. Let's go. So Agra Fort is a historical fort in the city of Agra in India. It was the main residence of the emperors of the Mughal dynasty until 1638, when the capital was shifted from Agra to Delhi. The Agra Fort is a UNESCO World Heritage Site also, and this is a very beautiful fort. You can see this, and yes, this is the bathtub. Yeah, you can see Jahangir ka snan kund where they took shower. Yeah, matlab like a bathtub. Yeah, it's a huge. It was huge, and this is the inside of Agra Fort. You can see all the carvings and all the things inside Agra Fort. It is beautiful. But the sad thing about this fort or the many historical places are like ki yahan par bahut si cheeze sone and मीनाकारी की हुई थी, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल कर ब्रिटिश शासन के टाइम पे लेकर चले गए, सो दैट कि उन्होंने सोने को निकाल कर उसके ऊपर पीते या तांबे की लेयर लगा दी, जो कि अब काली पड़ चुकी है, जिस वजह से इसकी ब्यूटी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। सो दिस इज़ द थिंग जो कि मुझे बहुत सैड लगी। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर शाहजहाँ को नज़रबंद करके रखा गया था, एंड यहाँ से ताजमहल दिखता था उन्हें, दैट्स वाई उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी पल जो है यहाँ पर बिताए थे। Hey guys, so saying bye to this beautiful place Agra and ending my vlog here only. Yes, and if you like this video then do subscribe to my channel and also press the bell icon too, so that you will be notified every time whenever I upload a new video. And also like this video, comment down below what kind of video you want to see so far, so that I'll get to know. And till the next video, tada, bye bye.